बिसमीम मैं हूं डॉक्टर जी एम चौधरी और मैं आपके पास अपनी मुल्की सियासत आय इकतियात और मुख्तलिफ अमूर पर अपने प्रोग्राम्स लेकर हाजिर होता हूं तो आज कल चूँकि हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा एक आइनी बहरान छाया हुआ है यहाँ पर दो सूबाई इसम्बलियाँ यानी कि पंजाब की और खैबर पखतनखा की जो है वो तहलील की गईं और यकीन आयन के मुताबिक नबे दिन के अंदर अंदर उनके इलेक्शन होने थे लेकिन वह ना हुए उस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की एक जजमेंट भी आई जिसमें ये कहा गया कि नबे दिन के अंदर अंदर इलेक्शन करवाए जाए या अगर उसमें थोड़ी बहुत कमी बेशी हो जाए तो उसका दरगुजर किया जा सकता है बहरहाल अभी तक ये क्राइसिस जारी है पंजाब में अलेक्शन की जो डेट है वो अनाउंस कर दी गई है और इलेक्शन का शेड्यूल भी अनाउंस कर दिया गया बहरहाल आज मैं करंट अफेयर्स पर बात नहीं करूंगा, बल्कि बात करूंगा पाकिस्तान की जो आईनी तारीख़ है उसके एक बहुत बड़े ताबिंदा यानी कि रोशन नाम की और वो रोशन नाम जो है वो है मौलवी तमीज़ुद्दीन खान अब यकीन हमारी जो आज कल की यंग जनरेशन है उजे उसे ये नहीं पता कि ये मौलवी तमीज़ुद्दीन खान कौन थे इनका क्या रोल था और इनको किस वजह से याद रखा जाता है बल्कि हमारी आइनी और जो कानूनी तारीख है अदालती तह तारीख़ है उसमें मौलवी तमीज़ुद्दीन खान का नाम जो है वो बहुत अच्छी तरह जाना जाता है यकीन आपके सामने इस वक्त मौलवी तमीजुद्दीन खान की तस्वीर भी मौजूद है आप देख सकते हैं ये अपनी तस्वीर से भी इनके जो इम्प्रेशन कन्वे होते हैं वो यही हैं कि ये एक बड़ा सख्त जान किस्म का शख्स था और बड़े पक्के इरादे का मालिक था अब मैं आपको बताता हूँ कि मौलवी तमीज़ुद्दीन खान कौन थे कहाँ पैदा हुए और उनकी हमारी जो आइनी तारीख है उसमें क्या किरदार है जनाब मौलवी तमीज़ुद्दीन खान साहब जो हैं वो अठारह सौ यानी कि एटीन हंड्रेड एंड एटी नाइन को इंडिया का एक शहर है आजकल तो काफ़ी बड़ा शहर हो चुक, हो चुका हुआ है जिसका नाम है फरीदपुर उसमें पैदा हुए उस वक्त ये जो बाद में देखें जी बहुत ज़्यादा जो जगराफियाई तकसीम तकसीमें हैं उनमें तकसीमें आ चुकी हैं तो उस वक़्त ये जो बंगाल है उसका हिस्सा था और उसमें जो यूपी और सीपी के सूबे हैं वो भी नहीं बने हुए थे आजकल मेरा ख़्याल है ये जो यूपी सूबा है शायद उसका ये शहर है बहरहाल जी ये मार्च 1889 को फरीदपुर में पैदा हुए एक गांव था फरीदपुर उस वक़्त बहुत छोटा सा इतना छोटा भी नहीं था वहाँ पर म्यूनसिपैलिटी जो है वो मौजूद थी यकीनन उस वक्त जो म्यूनसिपैलिटीज़ थी उनके भी साइज़ को बहुत बड़े नहीं थे यानी कि दो चार हज़ार की जो पॉपुलेशन है उस पर म्यूनसपैलिटी कायम कर दी जाती थी तो जनाब ये को बहुत ज़्यादा अमीर करीब कबीर ग्राने से इनका ताल्लक़ नहीं था एक इंतहाई गरीब घरानाने से इनका ताल्लक़ था जो कि फार्मर यानी कि किसान फैमिली थी और रिकॉर्ड के मुताबिक ये है कि इनकी जो ख़ानदान है उसकी सिर्फ तीन एकड़ ज़मीन थी अब आप इससे अंदाज़ा लग, लगा सकते हैं कि तीन एकड़ ज़मीन जिस शख्स की हो वो कितना कमीर हो सकता है यकीन ये एक गरीब ख़ानदान था इनके जो वालद थे वो खेती बाड़ी का काम इन्हीं तीन तीन एकड़स पर करते थे और अपने ख़ानदान को पालते थे ये ख़ानदान के सबसे बड़े फर्द थे पढ़ने लिखने का इन्हें बचपन से बड़ा शौक़ था शुरू में जैसा कि उस वक्त रवाज था इन्होंने इस्लामी एक मुस्लिम मदरसे जो है उससे अपनी तालीम का आगाज़ किया लेकिन चूँकि इन्हें पढ़ने का शौक़ था और फिर अपनी मेहनत और अपनी जो प्रमिनेंट पोजीशन थी जहीन होने की वजह से इनको स्कॉलरशिप्स मिलते रहे और इनको उस दौर के जो करीबी इलाक़ों में बेहतरीन किस्म के ब्रिटिश कॉलेजेस थे वहाँ से तालीम हासिल करने का मौक़ा मिला यानी कि ये 1900 चार में इन मैट्रिक पास किया 1906 में इन एंट्रेंस का एग्ज़ाम पास किया और ये आ, उस वक्त ये जो कलकत्ता है ये बहार का शहर था जिसे आजकल हमारे कॉन्टेक्स्ट में ये बिहारी के कॉन्टेक्स्ट में वहाँ के लोगों को याद किया जाता है तो वहाँ पर इन जनाब विक्टोरिया कॉलेज था ब्रिटिश गवर्नमेंट का यकीनन उस वक्त ब्रिटिश गवर्नमेंट ही थी लेकिन वहाँ पर जो देसी स्कूल हैं उनके साथ साथ ये जो इंग्लिश स्कूल या कॉलेज़ हैं उनमें जो गरीब लोग हैं उनके लिए दाखिला लेना इंतहाई मुश्किल काम था उसके बाद जनाब इन स्कॉटिश चर्चेस कॉलेज था वहाँ से इन्होंने इंग्लिश का ऑनर्स में एग्ज़ाम पास किया उन्नीस सौ ग्यारह में उसके बाद जनाब इन्होंने प्रज़िडेंसी कॉलेज से एम ए आर्ट्स इंग्लिश में किया और अपने इलाके के ये पहले शख्स थे जिन्होंने इतनी हायर क्वालिफिकेशन जो है वो हासिल की थी <स्याँग> फिर जनाब इन ने रिपन कॉलेज से एलएलबी किया तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस वक्त वकालत का प्रोफेशन जो है बड़ा हाई हाई प्रोफाइल प्रोफेशन था और इस तरह एल एल बी का एग्ज़ाम उन्नीस सौ चौदह में पास करने के बाद इनने अपनी वकालत जो है उसका आगाज किया यहाँ पर बड़ी दिलचस्प बात है कि इन्होंने एम ए जो है वो उन्नीस सौ तेरह में पास किया एल एल बी जो है वो उन्नीस सौ चौदह में पास किया लेकिन इन्होंने सियासत जो है उसका आगाज उन्नीस सौ से कर दिया अब यकीनन आपके जहन में ये बात आनी चाहिए अगर आपको पाकिस्तान की तारीख से या इंडियन हिस्ट्री से कुछ दिलचस्पी है कि 1905 में क्या हुआ था जनाब 1905 में ये जो बंगाल की पार्टीशन थी ये हुई थी और बड़ी दिलचस्प बात यह है कि ये उस वक़्त जो कांग्रेस के नज़रियात थे उनके हामी थे और जो एंटी बंगाल पार्टीशन मूवमेंट थी ये उसका हिस्सा बने यानी कि ये बंगाल की पार्टीशन जो है उसकी मखालफत करने वालों में शामिल थे फिर जनाब 1914 में प्रैक्टिस शुरू करने के बाद 1921 में ये बाकायदा तौर पर ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस के मेंबर बन गए और उसके साथ साथ खिलाफत मूवमेंट में इन्होंने बहुत भरपूर किस्म का किरदार अदा किया तो इनके इलाके में एक हिंदू लीडर थे जिनको चित्रन जान दास कहा जाता है ये उनके बहुत बड़े सपोर्टर थे वो अपने इलाके के बहुत बड़े पॉलिटिकल लीडर थे और ये उनको अपने लिए एक रोल मॉडल समझते थे, थे। बहरहाल जी उसमें खिलाफत मूवमेंट है वो है खिलाफत मूवमेंट में इनको जेल में भी जाना पड़ा और बड़ी दिलचस्प बात ये है कि खिलाफत मूवमेंट जो है उस वक़्त दो तो मूवमेंट्स चल रही थी एक नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट थी और एक खिलाफत मूवमेंट थी और ये साथ साथ चल रही थी यानी कि एक मुसलमानों की थी एक जो है वो हिंदुओं की गांधी की सुपरविजन में थी तो उसमें यह ऐलान किया गया कि मुसलमान और हिंदू अपने तमाम बच्चे जो है उनको ब्रिटिश स्कूलों और कॉलेजेस से उठा लेंगे और इन्होंने अपना जो छोटा भाई था उसको भी ब्रिटिश स्कूल से और कॉलेज से हटा लिया तो यकीनन उससे इनके ख़ानदान को बहुत बड़ा धचका लगा जनाब उसके बाद ये है कि अब चूँकि ये सियासत में थे इनको जेल में डाल दिया गया वहाँ की जो लोकल जेल थी यानी कि फरीदपुर की जेल में इनको रहना पड़ा उसके बाद वहाँ से इनको सेंट्रल जेल डाका में मुंतकिल कर दिया गया और 1923 में इनको जेल से रहा किया गया उसके बाद जनाब इन ने फरीदपुर की जो म्यूनसपैलिटी है उसका इलेक्शन लड़ा और 1926 में ये बंगाल की जो लेजस्लेटिम्बली थी फरीदपुर से उसके रुकन नामजद हो गए यानी कि इलेक्ट हो गए जनाब 1906 में इनके जो है वो ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस जो है उसके साथ अख्तलाफात बढ़े और इन्होंने उसको छोड़ दिया लेकिन इस दौरान तो इनकी जो सर्विसेज थी ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से इनको ख़ान बहादुर का लकब दिया गया जो कि उस वक्त एक बहुत बड़ा लकब था लेकिन उन्होंने उसको एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया और उस लकब को एक्सेप्ट करने से जब इन इनकार किया तो उसकी सज़ा के तौर पर इनकी जो लॉ की डिग्री थी उसको और उसके लॉ के प्रैक्टिस के लाइसेंस को मअल कर दिया गया यानी कि इनको अपनी वकालत छोड़ना पड़ी ये जनाब बड़े सख्त जान शख़्स थे इन्होंने इस चीज़ की कोई परवाह नहीं की कि मेरे प्रोफेशन का क्या बनेगा इन्होंने फरीदपुर को छोड़ दिया और फ़रीदपुर को छोड़ने के बाद ये कलकत्ता में मुंतकिल हो गए और वहाँ पर जाके जाकर इन्होंने एक कपड़े की दुकान शुरू कर ली जनाब जरा आप अंदाज़ा लगाएँ कि उस दौर का जो हाईली क्वालिफाइड शख्स एम ए इंग्लिश और लीगल लॉ की डी एल एल बी की डिग्री और फिर वकील जो है उसने अपनी वकालत छोड़ कर मुसलमानों और इंडियन के काज की वजह से कपड़े की दुकान शुरू कर ली जिससे इनकी जो ख़ानदान की जो माली हालत थी वो बहुत ज़्यादा मुतासर हुई लेकिन सियासत जो है इनके समझे कि लू लू में रच चुकी थी और सियासत में ये शामिल रहे जनाब आल इंडिया नेशनल कांग्रेस जो है उसने इनके साथ बहुत बुरा हशर किया इन्होंने एक म्यूनसपलिटी का इलेक्शन लड़ा कांग्रेस ने अपना एक हिंदू भी था मुसलमान ही उसको इनके मुकाबले में खड़ा कर दिया और यकीनन वो जीत गया हालाँकि इनकी कांग्रेस के हवाले से बहुत ज़्यादा खिदात थी इस तरह इनको कांग्रेस से जब शुद्धि की मूवमेंट चल रही थी सख्त नफरत हुई और इन्हने कांग्रेस को छोड़कर आल इंडिया मुस्लिम लीग जो है उसको ज्वाइन कर लिया लेकिन इससे पहले इन्होंने अपने गांव में एक जो मदरसा है वो भी शुरू किया जिसमें इन्होंने इस्लामी तालीम शुरू की तो यानी कि प्रैक्टिकली 1926 में इन्होंने ऑल इंडिया कांग्रेस को छोड़ दिया 1926 से लेकर ये सियासत में छोटी सतह की सियासत में एक्टिव रहे और उसके साथ साथ फिर ये है कि ये मुख्तलिफ और इलेक्शंस भी लड़ते रहे उन्नीस सौ सैंती के जो इलेक्शंस हैं वो बहुत ज़्यादा मशहूर हैं और उन्नीस सौ सैंती में इन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ा सूबाई असम्बली का और फरीदपुर से ये आ, मेंबर मुंतखब हो गए और मेंबर मंतखब होने के बाद बंगाल जो है वहाँ पर ये हेल्थ के एग्रीकल्चर के इंडस्ट्री के और एजुकेशन के मिनिस्टर बने जो तकरीबन ये दस साल तक रहे यानी कि उन्नीस से लेकर उन्नीस तक यानी कि पाकिस्तान बनने तक जनाब जब पाकिस्तान बन गया तो 1949 में जो उस वक्त बेसिक प्रिंसिपल्स कमेटी थी ये उसको भी उसके भी सदर रहे यानी कि चेयरमैन रहे यानी कि पाकिस्तान के आइन का जो बेसिक स्ट्रक्चर था उसके बनाने में इनका बहुत ज़्यादा किरदार था कायद अजम जो है उनकी जब वो गवर्नर जनरल हो गए तो उसके बाद इनको प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली जो है बना दिया गया और ये उसके मेंबर रहे फिर जनाब मसलसल ये उसके स्पीकर यानी कि प्रेसिडेंट थे जबकि 24 अक्टूबर उन्नीस को गवर्नर जनरल जो हैं उस वक्त के गवर्नर जनरल जो हैं जिन जिनका नाम जो है गुलाम मोहम्मद था उन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली और जो कैबिनेट है उनको डिसॉल्व कर दिया यानी कि असेंबली को तहलील कर दिया अच्छा बड़ी दिलचस्प बात है कि ख्वाजा नाजमुद्दीन साहब जो हैं वो वज़ी अजम थे और उनकी एक बहुत बड़ी कैबिनेट थी जिस पर बहुत ज्यादा करप्शन के चार्जेस थे ना तो खाजा साहब ने उस फैसले को चैलेंज किया और ना ही उनकी कैबिनेट के किसी वजीर ने लेकिन मौलवी साहब अपनी जो आदत है अपनी जो तबीयत है या अपनी जो सख्त जानी है या जो स्टैंड लेते रहे हैं तो इन्होंने उसको और जो सिंध हाई कोर्ट है आज का सिंध हाई कोर्ट उस वक्त इसको चीफ कोर्ट ऑफ सिंध कहा जाता था उसमें उस फैसले को चैलेंज किया हाई कोर्ट ने इनकी फेवर में फ़ैसला दिया और असम्बली को रिस्टोर कर दिया उस फैसले को जो फेडरल गवर्नमेंट है उसने फेडरल कोर्ट में चैलेंज किया और फेडरल कोर्ट में जस्टिस मनीर साहब जो है उनकी सरबराही में पांच रुकनी बेंच जो है उसने इनके ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया और इस तरीके से ये चार वर्सेस एक का फैसला था यानी कि एक जज जो है वो उस फैसले के ख़िलाफ़ थे वो थे जनाब ए आर कार्नीलियस और चार जजों ने फेडरल गवर्नमेंट की फेवर में फ़ैसला दिया ये मैं बातें आपको बाद में बताऊंगा जब उन केसेस को डिस्कस करूंगा कि उसके इम्प्लीकेशन क्या हुई तो इस तरीके से जनाब जो मौलवी तमीज़ुद्दीन साहब हैं अपने उस केस के हवाले से जाने जाते हैं जनाब फिर ये दोबारा से असम्बली के स्पीकर मुंतखब हुए यानी कि अलेवन्थ जून 1962 को लेकिन इनको बहुत कम वक्त मिला क्योंकि इनकी जो डेथ है वफात 19 अगस्त उन्नीस में ढाका में हुई और जिसको बहुत ज़्यादा जिसका सोग बनाया गया और हमारे मुल्क की जो आइनी तारीख है उसमें ये एक आइकॉन की हैसियत से जाने जाते हैं इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहता हूं, खुदा हाफिज ऐसी मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ली और बेल आइकन को ऑन कर ली ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रबता कर सकते हैं या कमेंट्स करके अपने सवाल पूछ सकते हैं